गिन्नी बेटा क्या हुआ? इनकी फोटो पे फूलों का हार क्यों नहीं डाला है? क्या बोला तुमने? बोल क्या कहा? ईजा, आप इसे गलत मत समझिए। बच्ची है, जानती नहीं है क्या कह रही है। हाँ ईजा, मेरे ख्याल से इसकी बातों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? कभी मना किए बच्ची ना समझे, लेकिन हम तो समझदार हैं। एक तो मेरा अभिनव ठीक तरह से चल फिर नहीं पा रहा, और ये बच्चे हैं कि पर ये आपने इस बच्चे को इस घर में लाना चाहा, हमने आपका साथ दिया। इस घर के सभी लोगों ने इस बेसहारा बच्चे को सहारा दिया। आज तक ये जो भी कर रही थी, जो भी कह रही थी, सब लोग बर्दाश्त कर रहे थे ना, लेकिन अब नहीं। अब तो हद हो गई। देखिए परी, अगर आप चाहती है कि ये इस घर में रहें, तो इस घर के संस्कार और तमीज इसे सिखानी होगी। समझ रही हैं आप? आज अभिनव के बारे में इसने ऐसा कहा, कल और किसी के बारे में कह देगी। घर में और बच्चे भी हैं, क्या असर पड़ेगा उन पर? अदिति, तुम गिनी को लेकर ऊपर जाओ। चलो। मुझे पता है गिनी का तौर तरीका थोड़ा अजीब, वो अभी बहुत छोटी है और अब तक बिल्कुल अलग माहौल में रही है। मुझे लगता है आपको उसे थोड़ा वक्त और देना चाहिए, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आज जो बात हुई है वो दोबारा नहीं होगी। आपने नीचे ऐसा क्यों बोला? आप जानती है ना ये अच्छी बात नहीं है। वो ठीक नहीं होगी, मर जाएगी। क्या अभिनव के लिए भी आपको ऐसा ही लगता है जैसा अपनी मां के लिए लगा था हॉस्पिटल में? बोलो किन्नी। मुझे लगता है कि हमें अभी हॉस्पिटल फोन करके अभिनव की तबीयत के बारे में पूछना चाहिए। अदिति तुम भी ना, अभी डॉक्टर्स ने बताया कि अभिनव ठीक है, तभी तो उसे डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो फिर दोबारा फोन करने की क्या जरूरत है? जरूरत है कबीर, क्योंकि गिन्नी ने अपनी माँ के बारे में भी ऐसा ही कहा था। डॉक्टर ने तो बोला था कि वो बिल्कुल ठीक है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अचानक वो गुजर गई। मुंह से निकले भी हर बात सच हो रही है कबीर। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। उस लड़की ने जब भी अपना मुंह खोला है ना, तो किसी ऐसी बात के लिए खोला है, और फिर वो बात सच हुई है तुरंत। अब उसी दिन देखिए, कहने लगी कि डॉक्टर क्यों नहीं आया, और अचानक से इनके पेट में दर्द शुरू हो गया है ना। और फिर खिड़की पर मुझसे कहने लगी कि यहाँ से हटो, यहाँ खतरा है, और अचानक वो पत्थर खिड़की तोड़कर अंदर आ गया। एक्चुअल में गड़बड़ होने से जस्ट पहले उसे भनक लग जाती है। बस भी कीजिए आप लोग, कुछ नहीं होगा अभिनव को।
मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी, समझ गए आप? मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से चेकअप करवाऊंगी उनका, ठीक हो जाएंगे वो। वो बच्ची कुछ नहीं कह रही, बकवास कर रही है, वो कोई भविष्यवाणी नहीं है, समझ रहे हैं? डॉक्टर शेट्टी जी, मैं वसुंधरा जायसवाल बोल रही हूँ। देखिए डॉक्टर, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार आकर मेरे बेटे अभिनव का चेकअप करें, आधे घंटे बाद। ठीक है डॉक्टर, मैं आपके घर आती हूँ, फिर साथ मिलकर हॉस्पिटल चलेंगे। थैंक यू सो मच। डॉक्टर शेट्टी इंडिया के टॉप मोस्ट डॉक्टरों में से एक है, अगर वो चेक करके कह देते हैं कि अभिनव ठीक है तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है। कबीर, अब जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाइए अभिनव के पास। मैं डॉक्टर शेट्टी को लेकर पहुंच ही रही हूँ, लेकिन उसमें समय जाएगा। डॉक्टर शेट्टी अभिनव का चेकअप करेंगे। चेकअप? कौन सा चेकअप बीजा? कबीर, मैं जैसा कह रही हूँ प्लीज वैसा कीजिए आप। डॉक्टर शेट्टी अभिनव को चेक करके जब तक बोल नहीं देते कि वो ठीक है, तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी। जैसा आप कहें। देखिए, आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना अभिनव को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा था, उनके वापस आने के बाद जश्न मनाएंगे, तो वो वैसे ही होगा। सुबान कितनी भी काली हो, लेकिन इस मां की ममता के आगे जीत नहीं सकती। कुछ नहीं होगा मेरे अभिनव को। ठीक है तो हम निकलते हैं। मैं डॉक्टर शेट्टी के यहां जा रही हूं। मामी जी, वो किन्नी को प्लीज चॉकलेट मिल्कशेक दे दीजिएगा। हाँ, थैंक यू। मैं उसे कोई मिल्कशेक नहीं पिलाने वाली। अगर उस लड़की ने मुझे देखकर कुछ कह दिया तो, अगर उसने कहा कि मेरे गले में हार चढ़ा क्यों नहीं तो, या उसने मुझसे कहा कि मेरी मांग का सिंदूर मिटा क्यों नहीं तो, मैं उसे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। बिल्कुल क्या कर रही हो? कुंडी लड़की मुझे बिठाती हूँ। चुप करो। क्या मुसीबत है, मिल्क शेक पीना है, बड़ी आई। अरे दिखता भी तो नहीं है। अरे ये मुसीबत भी मेरे ही सर पड़नी थी। काम के टाइम पे सारे नौकर भी गायब हो जाते हैं। बेटा, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट का मिल्कशेक लाई हूँ, मैंने अपने हाथों से बनाया है। रानी बिटिया, पी लेना। हाँ, ठंडा ठंडा है, यमी यमी। दूर रहना चाहिए।
उसे पानी से खतरा है, पानी से दूर रहना चाहिए। कोई पानी के पास नहीं जाएगा, सुनो, पानी से सबको खतरा है। अरे ये क्या है, तुम ऐसे क्यों बाहर आ गए? अरे तुम बाहर चिल्ला रही थी एक्चुअल में कि पानी के पास कोई नहीं जाएगा, खतरा है। मैं आधा नहाया हुआ था, बाहर निकल आया, और जब डर के बाहर निकल आया हो तो तुम खुद ही पूछो कि ये क्या है। अब ठीक है, आ गए हो तो जाकर वापस नहा लो। पागल हो गए हो क्या? मैं दोबारा पानी के पास तब तक नहीं जाऊंगा जब तक ये बला टल नहीं जाती। अब से सिर्फ ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीन मतलब तुम पेट्रोल से नहाने वाले हो? मेरी माँ, अब से मैं अपने आप को सिर्फ तौलिए से पोंछूंगा। हेलो हेलो मामी जी, वो किनी ने मिल्कशेक पी लिया ना? अब मुझे क्या पता उसने मिल्कशेक पिया कि नहीं पिया, लेकिन हाँ उसने कहा है कि उसे पानी से दूर रखो। अब पता नहीं किसे पानी से दूर रखना है, लेकिन हम तो सभी पानी से दूर रह रहे हैं। तुम लोग भी पानी से दूर रहना, समझ गई ना? ठीक है मामी जी, बाय। कबीर, वो मामी जी कह रही है कि गिन्नी ने कहा है कि उसे पानी से हर हाल में दूर रखना है, और मुझे पूरा यकीन है कि उसका मतलब अभिनव से था। अदिति, तुम हर बात पे इतना क्यों सोचती? आग से दूर रखने की बात होती तो समझ में भी आती, पानी से दूर रखने का क्या तुक बनता है? और वो हॉस्पिटल है, कोई स्विमिंग पूल या समंदर किनारे नहीं तो उसे डूबने का खतरा हो, और हम भी कुछ देर में पहुंच ही जाएंगे। हाँ, लेकिन हम लोग अभी तक पहुंचे तो नहीं है ना। देखो, मुझे लगता है कि मुझे रानी को फोन करके कह देना चाहिए कि वो अभिनव को हर हाल में पानी से दूर रखे। आपकी रानी फोन क्यों नहीं उठा रही है? अरे दोस्त, अब पानी पिला देना। जी सर। अरे गरम पानी से गला सेकना नहीं है, पीना है, प्यास लगी है, ठंडा पानी पिलाओ, ठंडा। हाँ जी सर। क्या हो गया? हो गया। मिस्ड कॉल। रानी का फोन है। रानी, हॉस्पिटल में सब कुछ ठीक है ना? हाँ सब कुछ ठीक है। अच्छा सुनो, हम लोग रास्ते में ही हैं, बस पहुंचने वाले हैं, और एक बात का ध्यान रखना, तुम अभिनव को हर हाल में पानी से दूर रखना। पानी? यहाँ पानी कहाँ है? अभिनव यहीं अपने कमरे में है। हाँ, लेकिन तुम बस उसे पानी से दूर रखना। हाँ, जो भी हो। क्या थका हुआ हॉस्पिटल है। वार्ड बॉय, रानी ये बंद करवाओ यार। अच्छा अदिति भाभी, अभी मैं फोन रखती हूँ, आप लोग जल्दी आ जाइए। ठीक है। हाँ। अरे ये क्या है, बुलाओ किसी को। एक बात का ध्यान रखना, तुम अभिनव को हर हाल में पानी से दूर रखना। अच्छा मुझे साइड में तो लो। यार मुसीबत है यार, थर्ड क्लास।
पानी से खतरा है, बहुत खतरा है। अरे क्या एसी लीक हो रहा है, देखिए ना पानी टपक रहा है सब चेहरे। बस बस सुन सुन सुन, इधर है मैं। जी सर। ये ऊपर ये क्या है? एसी है सर। अरे जाहिल, मालूम है एसी है, लेकिन ये दिख रहा है देखो, पानी टपक रहा है, इधर पानी टपक रहा है। थर्ड क्लास हॉस्पिटल बनाया, फीस ले रहे हो फाइव स्टार वाली, और तुम्हारी सर्विस देखो एकदम घटिया। करो उसका कुछ। सर मैं बेड शिफ्ट करा देता हूँ, मुझे आता नहीं है, मैं यहाँ पर नया हूँ। अरे सुन तो इधर इधर इधर, अबे अक्कल नहीं है क्या तेरे को? मैं बोल रहा हूँ ये पानी का कुछ कर, मेरे मुंह पे पानी टपक रहा है जब से, दिमाग मत खराब कर। सिस्टर बुला किसी को। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम सर? अरे इस गधे को वार्ड बॉय किसने बनाया? मैं उसे कह रहा हूँ मुंह पे पानी टपक रहा है मेरे, मुझे तकलीफ हो रही है, तो मुझे कहता मैं जाकर दो लोगों को बुला के लेके आता हूँ, मुझे बेड ही लाने नहीं आता, कौन ये करा? सॉरी सर, मैं अभी कर देती हूँ, तुम आओ मेरी हेल्प करो और तुम भी सीख लो कैसे करते हैं। ये लॉक है इसका और इसे ऐसे खोलते। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। चलो टेस्ट कर। ये सब क्या तमाशा हो रहा है? आपको अपना कुर्ता उतारना पड़ेगा। मैम